हेलो दोस्तों, खेल और खिलाड़ी सीज़न 3 में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ मौजूद है दिल्ली के अपकमिंग क्रिकेटर यश भाटिया। यश के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। यश दिल्ली से अंडर 19 स्टेट खेलते हैं, पिछले 2 सीज़न से खेल रहे हैं। इससे पहले इन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी भी खेला है और दिल्ली से अंडर 14 स्टेट भी ये खेल चुके हैं। यश बहुत बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज हैं और इनके काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर हैं। हालांकि के टूर्नामेंट्स में इन्होंने एक मैच के अंदर 32 बॉल में 100 बनाया है और एक डेज के मैच में इन्होंने 300 भी मारा है। तो आज हम यश से बात करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है क्रिकेट के ऊपर और उन्होंने क्या क्या तैयारी करी है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए और आगे के लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो स्वागत है आपका स्टूडियो में यश। थैंक यू सर। तो यश, जैसे आपकी एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, आज हमारे जो दर्शक है वो ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्रिकेट की शुरुआत कैसे हुई, आपने कितने साल की उम्र से खेलना शुरू किया। सर, जब मैं 5 साल का था तब मैंने फर्स्ट टाइम मैं एकेडमी गया था, तो मेरा जो क्रिकेट करियर जो स्टार्ट हुआ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से स्टार्ट हुआ। मेरे भाई है, बड़ा भाई है 1 साल, उसके पेरेंट्स ने उसे समर ब्रेक में एकेडमी में ज्वाइन करवाया। तो जैसे बचपन में होता था कि हम देखा देखी में कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके देखा देखी में मैंने क्रिकेटिंग अपना करियर स्टार्ट करा। फिर सर उसने तो 2-3 महीने बाद छोड़ दिया, बट मुझे पता नहीं चला टाइम के साथ कभी मेरा प्रोफेशन बन गया। जी, तो यश जैसे बता रहे हैं हमको कि उन्होंने ये 5 साल की उम्र में शुरू किया, तो आप देख लिए अभी वो 18 साल के हैं। 13 वर्ष से आप ये क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप इसके अंदर निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। यश, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने पहली बार किस कोच के पास आप गए ट्रेनिंग करने के लिए और कौन से अकेडमी आपने ज्वाइन किया। सर, जब मैं 5 साल का था तब मैं फर्स्ट टाइम केयरमंगलम वर्ल्ड स्कूल गया था प्रैक्टिस के लिए। मेरे घर के बहुत पास है, विकासपुरी में है, वहीं मैं रहता हूँ। तो वहाँ पे मैंने मिस्टर प्रदीप काटपाल सर के पास अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। जी, तो यश जैसे आपने बताया कि मिस्टर प्रदीप के पास आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, आप मुझे ये भी बताइए इसके अंदर कि आप जब हम कोई भी स्पोर्ट शुरू करते हैं, कोई भी नई चीज शुरू करते हैं, थोड़ा सा कई बार कुछ लोग उसका सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, तो इस जर्नी के दौरान आपका जो सपोर्ट सिस्टम कैसा था? क्या आपकी फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया, आपके फ्रेंड ने आपको सपोर्ट किया, या किसी ने आपका विरोध भी किया इस चीज को लेके? तो आप ये बताइए। सर, मेरा ये माइंडसेट है, मेरी ये थिंकिंग है कि बिना फैमिली के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। फैमिली फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो सर, जब मेरे क्रिकेटिंग करियर के स्टार्टिंग के डेज थे तब मेरी मदर मुझे मैचेस में लेके जाती थी। मैं अंदर खेलता था, वो 6-6 7-7 घंटे बाहर गाड़ी में धूप में खड़ी होती थी। तो उनका बहुत बड़ा रोल है अभी तक। और सर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स का थोड़ा इमोशनली भी रोल होता है। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारी बॉडी उस तरफ से एक्ट करने लग जाती है। अब हम फेलियर के बाद अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव सराउंडिंग्स में हैं, तो हमें इतना कुछ ज़्यादा हम सोचते नहीं है। बट यही हमारे आसपास की सराउंडिंग्स अगर नेगेटिव रहती है तो हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हम अपने अंदर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। सर जी, तो देखिए यश ने बहुत अच्छी बात बताई कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसे वो बिहेव करते हैं उसी के हिसाब से हमारी पर्सनालिटी ढलती है। यश, अब आप मुझे ये बताइए कि आप अंडर 19 दिल्ली खेल रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है थैंक यू सर। और आप अच्छा परफॉर्म भी करते आ रहे हैं काफ़ी सीजन्स के अंदर। ऑब्वियसली वे एक बिगिनर से लेके अब अंडर 19 तक जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि आपने किस किस तरह की ट्रेनिंग्स करी हैं इसके दौरान और उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। सर, तो कोई भी बंदा अगर कुछ करता है तो उसके लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही। हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करेंगे तो हम परफेक्ट तो है नहीं, हमें धीरे 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 करके सीखना है। अभी भी मैं एक लर्निंग एज में हूँ, अभी भी मैं कोई परफेक्ट नहीं हुआ, बट हमें धीरे धीरे करके, हम हर दिन, एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग, हम एक नए दिन से कुछ शुरुआत होती है तो हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो सर ऑब्वियस बात है उसमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। हमारी लाइफ में गुड डेज भी आते हैं, हमारी लाइफ में बैड डेज भी आते हैं। तो सर बस यही, हमें अपना माइंडसेट से हम स्ट्रांग रहना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं 100 पे, अगर 100 मैं बना रहा हूँ तो 0 पर भी आउट मैं ही होऊंगा। मेरे को उस चीज़ को पॉजिटिव लेनी चाहिए और हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जी, यश ने बहुत अच्छी बात बताई कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही पिछले 13 वर्षों से खेल रहे हैं। अब हम एक और सवाल की तरफ यश बढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर फेलियर का पार्ट बहुत बड़ा रहता है और सक्सेस तो बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं। अब हमें थोड़ा सा बताइए कि आपने किस किस तरह की अप्रोच अपनाई है। आप जैसे ओपनिंग बल्लेबाज हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी तो वैसे भी
और एक खतरों का खेल है तरह से बोला जाए तो उसके अंदर आपको कहाँ कहाँ सक्सेस मिली है या कहाँ कहाँ फेलियर आया और उसमें आपने उससे डील कैसे किया उन चीज़ों से? सर मेरी ये थिंकिंग है कि लाइफ में फेलियर्स आने बहुत ज़रूरी है। अगर हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, अगर मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कभी 100 बना रहा हूँ, कभी 50 बना रहा हूँ, कंसिस्टेंटली मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं अपने एरर्स जो है उनको छोड़ दूंगा, उनकी तरफ इतना देखूंगा नहीं। पर अगर मेरी लाइफ में फेलियर है, मैं कभी 5 पे आउट हो रहा हूँ, कभी 6-7, मतलब मैं बड़ा स्कोर नहीं बना पा रहा, तो उन फेलियर से मैं सीखूंगा और तब मैं अपनी चीज़ें नोट करूंगा कि मेरी क्या फॉल्ट हो रही है बैटिंग में, फिर मैं नेट में जाके उन पर वर्क करूंगा। और यही अगर मैं रन बना रहा हूँ तो मेरे को लगता है मैं अंदर से कैजुअल भी हो जाऊंगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही हो रहा है, जब मैं रन बना रहा हूँ तो मैं इतना क्यों सोचूं। तो सर मेरे हिसाब से अगर कोई भी प्लेयर को अपने क्रिकेट की तरफ आगे बढ़ना है तो फेलियर्स लाइफ में आने बहुत इंपॉर्टेंट है और फेलियर्स का बहुत बड़ा रोल है, और फेलियर्स जो है वो आदमी को ज़्यादा सिखाते हैं, इतना सक्सेस नहीं सिखाते जितना एक फेलियर सिखाते हैं हमें। जी तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि फेलियर्स आपके एनिमी नहीं, फेलियर्स आपके फ्रेंड हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। यश, एक सवाल की तरफ मैं और बढ़ूंगा आपके साथ, आप मुझे ये बताइए कि इन वर्षों के दौरान, जैसे आप भी एक यंगस्टर हैं, आपने भी काफ़ी सारी गलतियां करी होंगी। इस शो को बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं 10 साल के 12 साल के, जो ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि अंडर 19 के भावी खिलाड़ी यश भाटिया, उनको क्या सीख देना चाहते हैं कि, या आप कोई एग्जाम्पल से बताना चाहते हैं आपने क्या गलती करी है? सर मैं अभी आपको अपने 2 महीने पहले का ही एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे से एक गलती हो गई जो मुझे थोड़ा रिग्रेट है उस चीज़ को लेकर, मेरे को करना नहीं चाहिए, ना कभी रिपीट करूँगा, और सबके लिए है कि सर मैं लखनऊ में था, मैं खेलने जा रखा था, वहाँ पे मेरे नी पे 4 स्टिचेस आए, देन उसके बाद वो मेरा 7-8 डेज का रेस्ट था, मैं वापस आया, मैं रेस्ट करा, मेरे स्टिचेस खोले, और उसके नेक्स्ट दिन ही मैं अपने DDC लीग का मैच खेलने चला गया, वहाँ मैंने डाइव मार के कैच पकड़ी, तो मेरे जो नी का जो था वो फिर स्टिच ओपन हो गए, और उसके बाद मेरे को फिर से 9 स्टिच आए उसके ऊपर, तो जो मेरा रिकवरी पीरियड जो मेरा 10-15 डेज का था वो मेरा 35-40 डेज पे एक्सटेंड हो गया। तो हमें हरी नहीं करना चाहिए, हमें इंजरीज की भी उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जब हम अपने हर चीज़ के लिए अब खेलूंगा तो इंजरी भी होगी, तो हमें उसका भी इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें पेशेंटली रेस्ट देना चाहिए अपनी बॉडी को। जी, यश ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो यंगस्टर्स हैं उनका नेचुरली खेलने का बहुत मन करता है और कई बार जब इंजरी होती है तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और गेम की तरफ ध्यान देते हैं। बचपन से ही आपको ये आदत डालनी पड़ेगी कि अगर आपको इंजरी है या किसी तरह की दिक्कत है तो आपको उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। रेस्ट जो है उसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है गेम के अंदर, वो भी इतना ही इक्वल पार्ट है। यश, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट एज अ गेम आप दिल से क्या बोलते हैं, आपके लिए क्या है क्रिकेट, और आप आगे आने वाले 3-4 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं और किस तरह से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं? सर क्रिकेट हर चीज़ है मेरे लिए, मतलब अभी टिल डेट मुझे कोई भी कहीं जानता है तो इस गेम की वजह से मुझे जानते हैं। आज आपके इधर स्टूडियो में मैं आया हूँ तो इस गेम की वजह से ही मैं आया हूँ, तो इस गेम की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे लिए, और ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, मेरे लिए हर चीज़ है। मैं रोज़ खेलता हूँ, तो अब एक टाइम टेबल में, मेरे टाइम टेबल नहीं बोलूँगा बट मेरी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, अगर मैं ग्राउंड में ना जाऊँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है मेरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ जब तक मैं ग्राउंड में ना जाऊँ। और सर बस यही है, इन फ्यूचर के लिए हमारे हाथ में कुछ रिजल्ट्स तो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में बस प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस में ध्यान दें, हम उस हिसाब से वर्क करें, मेहनत करें, बस बाकी सर फ्यूचर में जो हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ, तो जैसा होना है सर वो तो होना ही है। जी तो यश, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे यश भाटिया, हमें कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स इनसे कवर करने के लिए मिले हैं। इन्होंने हमको बताया है कि फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो इंजरीज होती है हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये देखिए बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के खिलाड़ी हैं जो डिस्पाइट बहुत सारे हार्डशिप और चैलेंजेस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे कि एक दिन वो इंडिया को जरूर रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे यश भाटिया, दिल्ली के अंडर 19 ओपनिंग बैट्समैन, और इसी तरह हम आपको नए नए खिलाड़ियों के साथ मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए रेडियो द्वारका, मैं हूं आपका होस्ट विश्व मिश्रा, धन्यवाद।